राजधानी दिल्ली में तापमान लगातार गिरते हुए भले ही लोगों में ठिठुरन पैदा कर रहा है, लेकिन सियासी तापमान तेज करने की कोशिश लगातार हो रही है, खासकर 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम के सदन में हुए हंगामे के बाद। आप देखिए कि किस तरह से चंदगीराम अखाड़े के करीब सड़क पर जो है दिल्ली बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है, जिसे प्रचंड प्रदर्शन नाम दिया गया है। बड़े बड़े पोस्टर्स के जरिए यह पोस्टर वॉर की भी कोशिश है, खासकर उन तस्वीरों को हथियार बनाया गया है जिसमें प्रभारी और साथ ही साथ आम आदमी के पार्षद लगातार मारपीट और मुक्का मुक्की करते हुए दिख रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी का यह भी कहना है कि प्रचंड प्रदर्शन इस विरोध में है क्योंकि ऐसा करके एमसीडी सदन में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसका अपमान किया गया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का लगातार आरोप यही है कि मनोनीत पार्षदों का जो है उनको चिन्हित करना, उनको मनोनीत करना और साथ ही साथ पीठासीन अधिकारी एक बीजेपी पार्षद को बना देना, ये सब कुछ संविधान का अपमान है। ऐसे में साफ है कि इस प्रचंड विरोध प्रदर्शन के बहाने ही सही राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का एक नया सियासी दौर शुरू होने जा रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी भी एलजी ऑफिस पर इस बारे में प्रदर्शन कर चुकी है, जो लगातार एक एक मामले को उठाते हुए दिल्ली के एलजी को निशाने पर ले रही है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ राम किंकर सिंह, चंदगीराम अखाड़ा, सिविल लाइन, आज तक।